Hey Philadelphia में विद ए न्यू व्लॉग। और जी ये रात का टाइम है, अभी सुबह जाना है। सुबह का दिन मेरे लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि सुबह मैं आपको एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो कि बहुत मुश्किल है, और मुझे पता है आप उसको इंजॉय करेंगे, क्योंकि आप भी ये मानेंगे कि वो काम वाकई में मुश्किल है और आप मेरे से पूरा पूरा सेटिस्फाई तब ही करेंगे। तो जी दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक मुश्किल काम ये है कि अपने दोस्त से ट्रीट निकलवाना, और आज मेरे दोस्त ने मुझे ट्रीट दी है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा आपको अब नज़र आना शुरू हुआ है। हमें बेचारा तलहा रात को मेंटल हॉस्पिटल में मिलेगा, इसके आज पैसे लग गए हैं ट्रीट देने में। ये देखो लाइट मार के दिखाया जा रहा है, अब तो आप नज़र आ गए और चांद जैसा मुखड़ा ये खा रहा है। ये शॉपिंग आवर बॉडी बिल्डर हैंडसम बॉय, ये हमारे प्रोफेसर साहब खाने को पाड़ते हुए। खाना खाने और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, खाना खाने तुम खाओ, तुम्हारा लगा है, तुम्हारा खाना बनता भी है, तुम्हारे पैसे लगे हैं। क्या कह रहा है, ट्रीट कब दे रहे हो यार? इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्रीट दे रहा हूँ, अल्लाह के कम से जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं ना। मुझे बिल गेट्स भाई, आपके पास 2000 भी है ना, हमने ट्रीट देनी है। वो बिल गेट्स ना आजकल एक डील चल रही है, वो डील हो जाए सॉफ्टवेयर की तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। मैं आपको लॉस एंजल्स में ट्रीट दूंगा। सो मैंने किस चीज़ की ट्रीट देनी है? मैंने अपने बर्थडे की ट्रीट देनी है, मैंने अभी अपने लैपटॉप की ट्रीट देनी है, मैंने अभी अपने मोबाइल की ट्रीट देनी है आईफोन की, और मैंने कितनी ट्रीट्स देनी जो कि सब पेंडिंग है। और जब भी मुझे ये ट्रीट देने का कहें तो मैंने ये कहता होता हूँ, जानी फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो जानी, ट्रीट बहुत जल्दी आएगी, बस भाई की जॉब वाले, एक बार जॉब वाले भाई की देखना, जहाँ से कहोगे वहाँ से खिलाऊंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। चला तेरा पता लेने मेंटल हॉस्पिटल में कब आए, पैसे लग गए यार। बस वो ट्रीट दे देना, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बेटा तू ना सारी जिंदगी पागल ही गुजारी, पागल हो गया। फिलहाल बात यह है कि अब जो आप ये व्लॉग देखेंगे, मतलब बाकी का जो व्लॉग देखेंगे, ये मैं लाहौर में नहीं फैसलाबाद में शूट कर रहा हूँ। मेरा मैजिक देखा, आई एम मैजिशियन, आहा, इसके बाद मैं बड़ा सारा शो करूँगा। और आपको एक आपस की बात बताऊँ कि मेरा उनको पार्टी देने का अब तक कोई इरादा नहीं है, ठीक है ना? आपस की बात है, आँख मारी है, किसी को बताना नहीं आपने, सब ने अच्छा उन्हें भी नहीं बताना, ठीक है ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? अब आता है वो टॉपिक कि जिसके लिए व्लॉग बनाना ज़रूरी था। वो टॉपिक ये है कि जब आप व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते, कहानी नहीं सुना सकते यार कि मतलब मैं बिज़ी था, या मुझे किसी जगह पर काम पड़ गया था, या आप ये नहीं कह सकते कि मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि कई दिन ऐसे भी होते हैं जब आप काम नहीं करना चाहते। वैसे मेरा तो रोज़ करने का दिल नहीं करता, बट फिर भी जो लोग रेगुलरिटी के साथ काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो वो इस तरह के बहाने नहीं बना सकते। अब देखें ना, अगर आप आवाम को बहाने सुनाते हो, लाइक अपने व्यूवर्स को कहते हो कि यार वो ये मसला हो गया था, वो मसला हो गया था, तो वो एक दफ़ा सुन लेंगे, दो दफ़ा सुन लेंगे भाई। जब आप इस चीज़ को एक कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलोगे ना कि ये मसला हो गया था, वो मसला हो गया, नहीं बना सका, व्यूवर्स भी बोर हो जाते हैं। फिर देखो, जो एक आपने अपना प्रॉमिस किया होता है कि मैं रोज़ इतनी वीडियोस, या इतने दिन बाद एक वीडियो, या इतनी वीडियोस इतने टाइम बाद डालूंगा, या इतनी वीडियो एक टाइम से, मतलब आपने एक स्पेसिफिक उनको एल्गोरिथम दिया हो, या जो भी इसको कहते हैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो नहीं, तो आप खुद समझ लें। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप क्यों पढ़े लिखे हैं ताकि आप मेरी बातों को समझें, तो खुद समझिएगा बाकी का जो भी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो एक आपने प्रॉमिस किया होता है, अगर वो पूरा नहीं करेंगे सो आपके लिए लॉस है। तो जो व्यूवर्स हैं ना, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं उधर इसलिए देख रहा हूँ, मेरा इसमें स्टाइल ठीक है ना, उधर देखना स्टाइल है उनका, लेकिन मुझे ये स्टाइल छोड़ना पड़ेगा, मुझे कैमरे में देखने की आदत डालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने एडजस्ट करना है। आप प्लीज़, आप बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, एडजस्ट कीजिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सो फिलहाल एक बिग लॉस हो गया, मैं बेटर लाइट के लिए जो अपना व्लॉग शूट कर रहा था, ये लाइट चला के तो देखें मेरे से ना ये लाइट गिर गई, मतलब पाँव मेरा लगा ना, यहाँ पर पाँव लगा, यहाँ पर इस तरह पाँव लगा, मैं पीछे को हो रहा था, लाइट गिर गई, तो ये देखो ये अंदर को चला गया। और इसका जो रिमोट था, ये रिमोट भी जस्ट डैमेज हो गया यार, बड़ी पुरानी लाइट है, दुख हो रहा है, पर चलो अब कुछ देखो ज्ञान नहीं, बस जब तक चलेगी तब तक तो चलाऊँगा, फिर भी मैं ढीटों की तरह इसको चलाऊंगा, और जब निकले नहीं पड़े तो ले लेंगे। बाकी यार लाइट का जो दुख था वो मुझे अभी भी लगा हुआ है, यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, मतलब बड़ी प्यारी लाइट थी यार मेरी, टूट गई, अब देखता हूँ, जब भी देखता हूँ दुख होता है, और मेरे से टूटी ज़्यादा दुख ये हो रहा है।
सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर, आई होप यू एंजॉयड। लाइक माई चैनल, इस तरह वाले बटन को ना आपने हमेशा ही प्रेस करना है। एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, कर दो ना सब्सक्राइब यार, दिल आपका बड़ा है, दिल अपना छोटा है, चल अपन चलता है। और वो जो घंटी है ना उसको दबा दीजिएगा, थोड़ी सी मेहरबानी फरमाइएगा इस नाचीज़ इंसान पर। नाचीज़ का मतलब नाचीज़ ही होएगा। देखें इतनी उर्दू मैं आपके लिए साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब इस उर्दू को साफ और करने का मौका मुझे दें अच्छे अच्छे मेरे कमेंट्स करके मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग्स पे, और जो भी, ठीक है? और आई होप यू एंजॉयड, विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।